इच्छाधारी हर पूनम की रात को शिवानी का असली नागिन रूप सामने आता था, पर इस बार जब वो बहू की जिम्मेदारियां निभा रही थी तो उसे ध्यान ही नहीं रहा कि आज पूनम की रात थी और वो अपने असली रूप में आने लगी थी। शिवानी को डर लग रहा होता है कि कहीं उसका ये राज सबके सामने ना आ जाए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर किसी को पता चल गया कि मैं एक नागिन हूँ तो मुझे इस घर से ये लोग निकाल देंगे और चंदन वो तो मुझसे नफरत करने लगेंगे। तभी रमा रसोई में आ जाती है और शिवानी अपनी सास को आता हुआ देख घूंघट कर लेती है। बहू, तू यहाँ क्या कर रही है इतनी देर से? तभी रमा देखती है कि शिवानी ने घूंघट किया होता है। अरे बहू, ये तूने अचानक से घूंघट क्यों कर लिया? कुछ नहीं सासू माँ, वो मेरी ना सहेली का फोन आया था अभी। हाँ तो? तो उसने कहा कि आज पूनम की रात है और आज की रात बड़ी ही खास है, तो अगर आप कोई मन्नत मांगो तो पूरी हो जाती है, लेकिन इस मन्नत को मांगने के बाद आपको अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना होता, इसलिए मैंने ये घूंघट किया है। अरे पर तूने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, वो घर में सब मेहमान आने वाले थे तो मेरे दिमाग से ही ये बात निकल गई। शिवानी ऐसा कहकर अपने काम में लग जाती है। रमा मन में सोचती है, बड़ी ही अजीब सी बात है ये, ऐसी ऊट पटांग मन्नत कौन मांगता है भला। और शिवानी मन में सोचती है, बस कैसे भी करके 12 बजे तक मुझे अपने असली रूप को छुपाना है। अच्छा चलो फिर ऐसे ही चलो, मेरी सहेलियां जा रही हैं, उनसे विदा ले लो। ठीक है मम्मी जी, पर ये घूंघट। हाँ हाँ, मैं समझा दूंगी उन्हें कि तुम्हारी ये कुछ अनोखी सी मन्नत है। शिवानी अपनी सास के पीछे चल रही होती है, पर उसका निचला शरीर अब नागिन का रूप ले लेता है। वो मन में सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। रमा पीछे मुड़कर देखती है तो शिवानी गायब होती है। रमा ये देखकर चौंक जाती है कि आखिर शिवानी कहाँ चली गई अचानक से। बहू, बहू, कहाँ चली गई ये अचानक से? मेरे पीछे ही तो आ रही थी। शिवानी छत पर खड़ी होती है और घबरा रही होती है कि अगर वो पार्टी में वापस नहीं गई तो उसका राज खुल जाएगा। वो चंद्र देवता से प्रार्थना करने लगती है। हे चंद्र देवता, मेरे असली रूप को आज किसी के सामने मत आने दीजिए, मैं इस परिवार से बहुत प्यार करती हूँ और मैं यहीं रहना चाहती हूँ। चंद्र देवता प्रकट हो जाते हैं। अगर तुम यही चाहती हो शिवानी, तो मैं तुम्हें इंसान के शरीर में हमेशा के लिए परिवर्तित कर देता हूँ, पर फिर तुम एक नागिन भी नहीं रहोगी और तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन जाएगी। मैं यहाँ इस घर की बहू बनकर ही रहना चाहती हूँ चंद्र देवता, आप मेरे शरीर को इंसानी रूप में परिवर्तित कर दीजिए। चंद्र देव शिवानी को एक इंसान बना देते हैं और वो अब नागिन नहीं रहती। वो जल्दी से नीचे पार्टी में जाती है। अरे बहू, कहाँ गई थी? क्या हो गया था तुम्हें? मम्मी जी, वो छत पर थी, मौसम खराब हो गया था ना, तो कपड़े बाहर सूख रहे थे, सोचा उतार लाऊं। अरे बहू, यहाँ मेरी सहेलियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम्हें कपड़ों की पड़ी है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। पार्टी खत्म हो जाती है और शिवानी बहुत थक जाती है। शिवानी, घर की सफाई कर देना, बहुत ही गंदा हो गया है पार्टी के बाद। जी मम्मी जी। शिवानी इतनी थकान के बाद भी घर की सफाई में लग जाती है। सच में एक सामान्य बहू बनना भी बड़ी ही मुश्किल का काम है। अगर चंदन से प्यार न किया होता तो कभी बहू नहीं बनती।